आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, मेहर अगर लतीफा बाद में सुन लेती आप तो ज्यादा बेहतर होता, अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊं ऊंची आपकी ऊंची गुफ्तगू क्या लतीफे से कम थोड़ी है जी, करना है इनके हंसना भोले मना हाथ है। पे, अगर ये अपने इलेक्शन नहीं करा सके ये लतीफा है, अगर इनको इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा, हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आईन पर कानून लतीफा पाबंदी है, थोड़ी है आपको उज्मा, पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज। ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोंगी, फिर आप नहीं अच्छी नहीं रहेंगी, ना कोई लोग हंसे, हमेशा नहीं देखेंगे बात का, आप देखें बहुत कैरी ऑन। मैं नहीं, आप ना रो, ना कोई कहते रोए ना कोई हंसे। हैं नहीं, आप नहीं जी, ये कोई कोई किसी की बताया छट गया करेगा जी, आपको, ये कोई समझाया गया आपको, आपको आपको ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर, आपने भी हंसना मेरे साहब, आपने हंसना नहीं है अजमा साहब, आपने रोना नहीं है, बस आप हंसते शुरू नहीं करें। की पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने हमाद अजहर साहब ने ये लिखा, ये उनका ट्वीट था, जाली फॉर्म 47 की नशस्तों के ऊपर जाली दो तिहाई अक्सरियत बनाने के ख्वाब, तो मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है, आज वो हुक्म आज वो कानून साजी का सोच रही है। जी पूरा पाकिस्तान रो रहा है उज्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया, शुक्र करें हम हंस रहे हैं, एक स्टेज के ऊपर और क्यों नहीं हंसना उठे मना है। अजी, वो भी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोना क्या, रोना पूरी है, रो सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं, बोलिए बोलिए जी आप जो। पूरा, आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ, हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान के शो में उज़्मा बुखारी और तहरीक इंसाफ की मेहरबानों आमने सामने आ गई। उज़्मा बुखारी ने लाइव शो में एक ऐसा झूठ बोला जिस पर तहरीक इंसाफ की मेहरबानों की हंसी निकल गई। इस पर उज़्मा बुखारी, जैसा कि वो चीखती और चलाती है, कहने लगी कि मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रही कि आप मेरी गुफ्तगू पर हंस रही हैं। इस पर मेहरबानों ने उज़्मा बुखारी से कहा कि आपकी गुफ्तगू लतीफ़े से कम थोड़ी है। इसके बाद दोनों के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की लफ्जी जंग हुई। आए पहले दोनों की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। किस तरह के, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज 3 रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है, बेहतर होता कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय, ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं, वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पर बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए, उसके बाद उस पोलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे, घोड़े पे, निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा, और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस, और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी, तो ये कौन से आईन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो सवाल, पेपर आपके जुड़ जाए। सवाल, तो ये एक सवाल, फर्क सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है अजमा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया, अब घोड़े का निशान पहुंच चुका है वहां पर। जी जी बिल्कुल, घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर साहब, आप ठीक है। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, मेहर अगर लतीफा बाद में सुन लेती आप तो ज्यादा बेहतर होता, अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊं आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम थोड़ी है। This is not the way to sit in a talk show. हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने पर पाबंदी है। थोड़ी है उमा, एहतजाज पे भी पाबंदी, जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले, अब उस पे भी पाबंदी है। I will not let you speak now. This is not the way. हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा, जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोंगी, फिर आप अच्छी रहेंगी, ना कोई हंसे, नहीं आप देखें कैरी ऑन। नहीं, आप ना ना कोई रोए ना कोई हंसे, यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं, आप नहीं जी, कोई किसी की छट करेगा जी, ये समझाया कि आपको 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 ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर। वैसे वैसे एक मैं बात कहूं, आप दोनों को एक बात कहूं, अजमा साहबा, आप एक वक्त में, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त मैं बहुत एहतराम करती हूं, मैं वही इसलिए कह रहा हूं, चले छोड़े। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज तक उनके मंसूर साहब, मैं जरा वजाहत कर दूं, बट बात यह है कि अजमा साहबा बात कंप्लीट कर लो, नेशनल प्लेटफॉर्म जी, एंड आई एम स्पीकिंग एंड शी इज जस्ट यू नो शी स्माइलिंग और वो क्या क्या लगा रही है। नहीं, अपनी हंसी जी, वो नहीं, वो कम थोड़ी सी एथिक्स मैं साहब नहीं हंसेंगे जी, करना चाहिए मेहर साहब, आपने भी हंसना मेहर साहब, आपने हंसना नहीं है अजमा साहब, आपने रोना नहीं है, बस आप शुरू करें।
इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपनी अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया। चले अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अजमा साहब। अब आपके आपकी बात से मैं ये समझा कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगु ना की है ना मैं करती हूँ okay. लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं और मैं ये कह रही हूँ कि लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है, तमाम बातें लेकिन लार्जेस्ट बैंक देखेगा। ठीक है ओके ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अजमा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने, आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर और हंसना मना है अजी, वो भी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। रोना पूरी है, रो सकती हैं आप, नहीं बोलिए बोलिए जी, पूरा पाकिस्तान रो रहा है उज़्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया, शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ दो किसान मारे गए आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। मैं आप पे मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आपको आप गुस्से हो जाएं या आपको नाराज करूं, हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियां साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे, तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेड मेरी हंसी छूट गई, आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने जदोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया, उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है, हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में, और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो हुक्म आज वो कानून साजी का सोच रही है, और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है, पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उज़्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आईन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है क्योंकि ये आईन और कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं, इन्हें तो आईन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है आज सुप्रीम कोर्ट में। जाफी साहब एक और सवाल, मतलब एक थोड़ी देर पहले अजमा साहिबा ने जो इशू रेज किया था इसका भी काइंडली जवाब दीजिए कि अगर एक इंतखाबी निशान मौजूद ही नहीं है, एक सियासी जमात अगर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो उनको उस मुताबिक सीटें किस तरह दे दी जाएंगी फिर मखसूस नशस्तें, क्योंकि जारी बात अगला स्टेप तो फिर यही आएगा ना जिस पे सवाल उठेंगे। जी मंसूर साहब थैंक यू, आपने ये सवाल मुझसे कर लिया। देखिए मैं मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि पीटीआई की अपने सिंबल छिन जाने के बाद की स्ट्रैटेजी बहुत कमजोर थी, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था कि इस जमात में कूद गए या उस जमात में कूद गए, और जो उनके पास 3 दिन थे इंडिपेंडेंट से कुछ और बनने के लिए, उन्होंने उन 3 दिनों में जो फैसले किए वो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले पे तस्दीकी मोहर लगाई ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिया। करना उन्हें ये चाहिए था कि जिस तरह उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था उसके अंदर जो रिमार्क्स बेंच से आए थे और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे टेलीवाइज हुए थे वहां पे कोर्ट ये बारहा कहे जा रहा था हम सिर्फ इस वक्त सिंबल के डिलीवरेबिलिटी सिंबल की अवेलेबिलिटी के बारे में फैसला कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट के अंदर से भी जो ये टेक्निकल नॉकआउट हुई थी पीटीआई को वो सिर्फ इस बुनियाद पे हुई थी कि हम सिर्फ सिंबल का इस वक्त फैसला कर रहे हैं। अगर उस सिंबल के छिन जाने के बाद से की वजह से ऐसी और चीजें हो रही थी जिसकी वजह से उनकी सियासी जमात बतौर सियासी जमात उनकी हैसियत के ऊपर सवाल उठे जा रहे थे तो वो गलत थे, वो इलेक्शन कमीशन गलत कर रही थी और उनको इस बात के सामने झुक नहीं जाना चाहिए था, उनको इस बात पे खड़े रहना चाहिए था जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी सीट पे खड़े रहे थे और ये कहना चाहिए था कि हमें इस इलेक्शन के लिए सर्टिफिकेशन पार्टी ने दी है, हम इस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और महज इस वजह से कि पार्टी का एक सिंबल चला गया है इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी की हैसियत खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए मैं फिर कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में यह आर्ग्यू हुआ था कि अगर आप सिंबल ले लेंगे तो दर हकीकत आप पार्टी की हैसियत कम कर रहे होंगे और वो एक आईनी हक है हर इंसान का टू एसोसिएट एज अ पोलिटिकल पार्टी, वो महज इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी की वजह से आप एक आईनी हक किसी से छीन नहीं सकते, आईन के अंदर जो आर्टिकल 51 है जो इन अलॉटमेंट्स की बात करता है वो इस हवाले से कोई कदम नहीं लगाता, ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है ये इलेक्शन
रेस्ट्रिक्शन लॉज और एक्शन रूल से आई हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस अगर आइन का जो स्पिरिट है, जो जमहूरी स्पिरिट है, उसके खिलाफ है, तो उनको रद्द किया जा सकता है। ये कोई सेट इन स्टोन बातें नहीं है। मैं अजमा साहब, एक चीज मैं देख रहा था, ये जो कुछ भी हुआ है आज, आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने हमाद अजहर साहब ने ये लिखा, ये उनका ट्वीट था, जाली फॉर्म 47 की नशस्तों के ऊपर जाली दो तिहाई अक्सरियत बनाने के ख्वाब, तो मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो उन्होंने लिखा है। तो जुबैर साहब ने इसको कोट ट्वीट करके लिखा, जस्टिस प्रिवेल्ड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेनी डिसीजंस टू अनडू द फास ऑफ फरवरी 8th। ये आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा लिख रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि वो भी बिलीव करते हैं कि एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन मुतनाजा थे और अब सब कुछ जो है वो ठीक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है आज के इस स्टे ऑर्डर के बाद। मंसूर, आप भी वैसे कमाल करते हैं, अच्छे खासे आप बाखबर साफी हैं। वो कितने हमारी पार्टी के रहनुमा हैं ये मतलब आपको सरेआम पता है? वो बकायदा तो पार्टी पॉलिसी को ना टो कर रहे हैं, ना वो पार्टी के अंदर जो है वो उनके पास कोई रोल है, और वो जो है वो टोटली उनको सिर्फ मेहरबानी है करनी चाहिए। निकाल दिया अजमा साहब उनको, निकाल दिया, पार्टी से निकाले जा चुके हैं। अगर अगर हम अगर थोड़ा सा उसका मुजाहरा कर रहे हैं तो वो ग्रेस का मुजाहरा करें ना, वो कहें आप अजमा साहब, मैं करेक्ट कर लेना मुझे, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आप पार्टी की सेक्रेटरी इत्तेहाद भी है पंजाब की, इसलिए मुझे आज पार्टी पॉलिसी बता दीजिए कि मोहम्मद जुबैर साहब की पोजीशन क्या है, क्या वो पार्टी में मौजूद हैं, निकाले जा चुके हैं, सस्पेंडेड हैं, शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, क्या स्टेटस है उनका? अगर आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने देते, मुझे याद कराने की जरूरत आपको नहीं थी कि मैं सेक्टर इन्फॉर्मेशन हूं, मुझे बिल्कुल याद है। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, दो तरीकाकार होते हैं कि पार्टी को तो उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, पार्टी ने तो उनको हमेशा इज्जत दी, उनको तर्जुमान भी बनाया, गवर्नर भी बनाया, वजीर भी रहे, लेकिन उनको बहुत इख्तलाफ है ना पार्टी से, पार्टी की पॉलिसियों से। वो ग्रेस का मुजाहरा करें ना, कहें मैं छोड़ता हूं जी पार्टी, मुझे नहीं चाहिए ये पार्टी, मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता, मेरा ज़मीर जो है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। ये क्या? नाज़रीन, आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मेहरबानों ने लाइव शो में झूठी और मकार उज़्मा बुखारी से कहा कि हंसने पर कोई पाबंदी थोड़ी है, टाइम पूरा मुल्क गुरबत के हाथों रो रहा है, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम फिर भी हंस रहे हैं। मेहरबानों ने कहा कि आपको तो शर्म भी नहीं आती, आप 16-17 सीटें जीतकर इक्तदार पर काबज हुए बैठे हैं, और अब आप इस 16-17 सीटों के साथ आयन में तरमीम करने का ख्वाब देख रहे हैं, और आयन में तरमीम करके आप काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं ताकि आप काजी फायज ईसा से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये ख्वाब आपका अधूरा रह गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के हवाले से स्टे दे दिया है, और ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मखसूस नशस्तें अगर पीटीआई को नहीं मिल सकती तो किसी दूसरी जमात को भी किसी भी सूरत नहीं मिल सकती। इसका मतलब है कि आपकी अब दो तहाई अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है, और आपका काजी फ़ैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने का जो ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो चुका है। मेरी तो जस्ट इसलिए हंसी निकल गई कि इस टाइम पूरा मुल्क रो रहा है, आपने पूरी मुल्क की आवाम को गुरबत और महंगाई से ऐसा तंग किया है कि पूरे मुल्क की आवाम इस टाइम रो रही है, और आप यहाँ टॉक शो में बैठकर जुगते मार रही हैं। नाज़रीन, आपका आज की उज़्मा बुखारी और मेहरबानों की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।